Hello students, today our topic is eclampsia. हमने इसे previous class में pre-eclampsia पढ़ा था, उसकी next step eclampsia होती है, ठीक है? तो ये भी एक hypertensive disorder है eclampsia. तो eclampsia एक Greek word है, जिसका meaning होता है slice of life, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो pre-eclampsia की condition थी प्रोटीन यूरिया था, हाइपरटेंशन था, उसके साथ साथ में कन्वल्जन्स की स्टेज भी इसमें आती है एक्लेम्शियम, ठीक है? तो इसमें कन्वल्जन्स और कोमा भी इसमें आता है, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? प्री एक्लेम्शिया व्हेन कॉम्प्लिकेटेड विथ एक्लेम्शिया और कोमा इज कॉल्ड एक्लेम्शिया, ठीक है? अब इसका इंसिडेंस देखते हैं, इसका इंसिडेंस क्या है? तो ये 1 in 500 प्रेगनेंसीज में ये होता है एक्लेम्शिया कंडीशन, ठीक है? और मेनली ये प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट में देखा जाता है. इसकी अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं. पैथोफिजियोलॉजी में एक्लेम्शिया क्यों होता है, क्या कॉज है उसका? तो मेनली क्या सेरिब्रल इरिटेशन के कारण एक्लेम्शिया होता है. तो सेरिब्रल इरिटेशन क्यों होता है? ड्यू टू एनोक्सिया. एनोक्सिया के कारण सेरिब्रल इरिटेशन होता है. कैसे? कि हाइपरटेंशन के कारण जो सेरिब्रल वेसल्स हैं उनमें स्पाज्म हो जाता है, ठीक है? तो वहां पे उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है, ठीक है? तो उनको ऑटो कंजप्शन भी उनका पुअर होता है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ऑटो कंजप्शन पुअर होगा, वहां पे ऑटो भी नहीं पहुंच रही है, तो उसकी वजह से एनोक्सिया की कंडीशन वहां पे होती है, ठीक है? तो इसकी वजह से ब्रेन इरिटेट होता है, सेरिब्रल इरिटेशन होता है. सेकेंड होता है सेरिब्रल इडिमा. तो सेरिब्रल इडिमा की वजह से भी ब्रेन इरिटेट होता है. थर्ड होता है सेरिब्रल एरिथमिया, ठीक है? तो एनोक्सिया प्लस इडिमा दोनों की कंडीशन मिलकर सेरिब्रल एरिथमिया की एरिथमिया को कॉज करती है, ठीक है? तो सेरिब्रल एरिथमिया भी सेरिब्रल इरिटेशन करता है, ठीक है? अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स को चार स्टेज में डिवाइड किया जाता है. प्री मॉनिटरिंग, टोनिक, क्लोनिक एंड स्टेज ऑफ कोमा. तो फर्स्ट प्री मॉनिटरिंग स्टेज. प्री मॉनिटरिंग स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट तो इसमें मेनली अनकॉन्शियस होता है, बट इसमें क्या होता है कि पेशेंट की मसल, बॉडी की मसल्स जो होती है वो ट्विचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो मसल्स मतलब फेस, टंग और उसके बाद में लिम्स की मसल्स ट्विचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? आई बॉल होता है वो एक साइड रोल हो जाता है या फिर एक साइड फिक्स हो जाता है, ठीक है? और तो ये कंडीशन होती है प्री मॉनिटरिंग स्टेज में. तो ये स्टेज कब तक चलती है? ये स्टेज फ्यू सेकेंड्स टू 1 मिनट तक ये स्टेज पेशेंट में रहती है, ठीक है? उसके बाद आती है टोनिक स्टेज. तो टोनिक स्टेज में क्या होता है कि फुल बॉडी टोनिक स्टेज में होती है इसमें, ठीक है? तो टोनिक स्पाज्म होता है. क्या होता है कि इसमें जो फुल बॉडी है वो रिजिड हो जाएगी, ठीक है? जनरलाइज मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है? तो जनरलाइज मसल कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण फुल बॉडी रिजिड हो जाती है इसमें, ठीक है? आर्म फ्लैक्स हो जाएंगे, ठीक है? हैंड पिंच हो जाएंगे, मुट्ठी निचलेगी पेशेंट, आर्म फ्लैक्स होंगे, ठीक है? तो ये कंडीशन होती है टोनिक स्टेज की, ठीक है? इसमें भी आई बॉल फिक्स हो जाते हैं एक जगह पे, ठीक है? तो ये सेक्शन, ये तो टोनिक स्टेज है, ये 15 to 30 सेकेंड तक ये स्टेज रहती है, ठीक है? उसके बाद में आती है क्लोनिक स्टेज. तो क्लोनिक स्टेज में क्या होता है कि जो वॉलेंट्री मसल्स है उनमें कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है. एक बार कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है उनमें, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो होता है पेशेंट का जो भी कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करना जो होता है, जो कभी ओपन कभी क्लोज, ओपन क्लोज ऐसे होगा, और साथ साथ में आई मूवमेंट भी अबनॉर्मल, आई लिड्स का अबनॉर्मल मूवमेंट होगा, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट की टंग बाइट हो जाएगी, ठीक है? और उसके ब्रीथिंग में भी जो ब्रीथिंग साउंड भी एबनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है? और जो टंग बाइट के कारण ब्लड स्टेन सिक्रीशन आएंगे उसके मुंह से, ठीक है? और
ये स्टेज 1 to 4 मिनट तक रहती है और इसके बाद में स्टेज ऑफ कोमा। तो कोमा की स्टेज में क्या हो जाता है, पेशेंट क्रोनिक स्टेज चली गई उसके बाद में पेशेंट एकदम काम हो जाता है, ठीक है, एकदम क्वाइट लाइक क्वाइट होकर बैठ जाएगा और ब्रीथ स्टेटोरियल ब्रीथ हो जाएगी उसकी, ठीक है, और जो अनकॉन्शियसली है मतलब जो कन्वल्जन्स है वो भी इसमें स्टार्ट इसमें स्टॉप हो जाते हैं, कन्वल्जन्स जो आ रहे थे वो इस स्टेज में स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, तो पेशेंट शांत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, और जब उसको वापस धीरे धीरे जैसे जैसे हो जाएगा तो वो उस स्टेज को भूल जाएगा, मतलब उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसको कन्वर्जन आए थे, क्या हुआ था उस दौरान, वो उसको उसको याद नहीं रहेगी और रिमेम्बर हो जाएगा उन सब चीज़ों से वो, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले मैटरनल कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इंजरी टंग बाइट होगी तो इंजरी होगी पेशेंट को, ठीक है, तो टंग बाइट के कारण इंजरी होगी या फिर जो कन्वल्जन्स आ रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है वो फोल्ड हो जाए गिर जाए तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है, ठीक है, बेड फोल्ड हो जाए, ठीक है, या बेड सोर भी हो सकते हैं, तो कोमा की स्टेज में रहेगी तो बेड सोर भी हो सकते हैं पेशेंट को। और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो गए जैसे इडिमा होगा, ठीक है, ड्यू टू लीकेज ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज की लीकेज की हाइपरटेंशन है तो कैपिलरीज लीकेज होगा तो उस कंडीशन की वजह से पल्मोनरी इडिमा हो सकता है, ठीक है, निमोनिया हो सकता है पेशेंट को, तो निमोनिया हाइपोस्टेटिक और इन्फेक्टिव दोनों तरह का इसमें हो सकता है। और एम्बोलिज्म होगा, रेस्पिरेटरी एम्बोलिज्म होगा और हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड हाइपरटेंशन, ठीक है, और रिनल फेलियर हो सकता है, अब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा हो सकता है इसमें, ठीक है, और डिस्टर्ब विजन होगा। और पोस्टपार्टम पीरियड में क्या होगा, पोस्टपार्टम पीरियड में शॉक सेप्सिस और साइकोसिस की कंडीशन पेशेंट में होगी, ठीक है। अब इसके फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, तो फीटल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि प्री मेच्योरिटी, ठीक है, IUGR या फिर IUD इंट्रायूटेराइन डेथ, ठीक है, इंट्रायूटेराइन एस्फिक्सिया के कारण, ठीक है, और जो एंटी कन्वल्जेंस ड्रग्स जो चल रही है पेशेंट को उसकी वजह से वो ड्रग्स फीटस को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, और कुछ और ट्रोमा हो सकता है पेशेंट को, अगर पेशेंट गिर रही है तो उसकी वजह से बच्चे को भी ट्रोमा हो सकता है, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट रिलैक्सेशन मिल जाए और उसके साथ ट्रेंड मिडवाइफ भी हो सकती है, ठीक है, और उसके साथ में जो रास्ते में जा रही है जब होम टू हॉस्पिटल जा रही है तो उस दौरान उसको इंजरी से प्रिवेंट रखना है उसको, ठीक है, और जो सिक्रीशंस आ रहे हैं उनको भी क्लियर करना है और एयर वे को भी क्लियर रखना है, ठीक है। अब हॉस्पिटल में क्या मैनेजमेंट करेंगे, हॉस्पिटल में इसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि रिससिटेशन करना, ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन, अरेस्ट कन्वल्जन्स, कन्वल्जन्स को रोकना और वेंटिलेटर सपोर्ट देना और ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिगेशन करना उसकी, और डिलीवरी बाय 6 to 8 आवर अगर वो डिलीवरी पीरियड में तो, या और उसके बाद में पोस्टपार्टम केयर, और उसके बाद में ये हो गया हॉस्पिटल के प्रिंसिपल। उसके बाद में देखते हैं जनरल मैनेजमेंट क्या होता है,
जनरल मैनेजमेंट होते हैं किए जा सकते हैं। तो पेशेंट को ऐसे बेड पे उसको लिटाना है जो जिसकी साइड रेल्स हो, ठीक है, तो साइड रेल्स बेड पे उसको लिटाना है विद आइसोलेटेड रूम, ठीक है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसकी फ्रिक्वेंटली पोजिशनिंग चेंज करनी है ताकि हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया से प्रिवेंट हो सके और बेड सोर्स से उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। और उसके साथ में उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, रिलेटिव्स की हिस्ट्री लेनी है कि हेरिडिटरी कंडीशन है कि कैसी है, या फिर पहले ये कंडीशन हो चुकी है कन्वर्जेंस की, और डायग्नोसिस करना है एक्लैम्प्सिया के लिए, ठीक है, और ड्यूरेशन कितनी है प्रेगनेंसी को वो देखना है, ठीक है, नंबर ऑफ फीड्स, नेचर ऑफ फीड्स, ये सब हमको डायग्नोसिस करना है, ठीक है, या फिर आउटसाइड उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी है वो सब हम सब डिटेल हिस्ट्री हम उसकी लेंगे। और उसके बाद में उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में उसके वाइटल्स लेंगे सब हम, ठीक है, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन सब हम उसका वाइटल्स लेंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे प्रिवेंट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, ठीक है, एम्पिसिलिन दे सकते हैं उसको 500 mg, IV IM 6 hourly उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती है, ठीक है। अब और उसके बाद में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आता है, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में एंटी कन्वर्जेंस देंगे पेशेंट को और सेडेटिव्स देंगे ताकि उसके कन्वर्जेंस है उनको कंट्रोल किया जा सके, फिट्स को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, और बार बार रीअकरेंस ना हो उससे उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो उसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट है जो डायलेशन करेगा और यूटेराइन आर्टरी है उनको भी डायलेट करेगा, तो उसके बाद में हाइपरटेंसिव देते हैं, हाइपरटेंसिव और डायरेटिक्स भी देते हैं। कन्वर्जेंस के साथ में हाइपरटेंशन है, अगर बीपी 160-110 है अबव है इसे, तो एंटी हाइपरटेंसिव भी देते हैं और सेडेटिव्स भी देते हैं पेशेंट को। तो हाइपरटेंशन में मेनली हाइड्रालोजाल और लेबिटोलोल या नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं पेशेंट को। उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट, ठीक है, ये तो हो गया जनरल मैनेजमेंट। अब देखते हैं ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं पेशेंट का। तो जो एंटी जो प्री एक्लैम्प्सिया की कंडीशन थी, तो एंटीपार्टम में जो भी एक्लैम्प्सिया की कंडीशन थी उसको हम ट्रीट करेंगे, और लेबर के दौरान उसको कैसे मैनेज करेंगे वो देखते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि जो फीड्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है, वो कंट्रोल है या नहीं है, या फिर जो फीटस है उसकी मैच्योरिटी, तो फीटस की मैच्योरिटी हुई है कि नहीं है उस पर हम डिपेंड करेंगे कि कैसे उसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट नॉट इन लेबर, पहला मैनेजमेंट पेशेंट नॉट इन लेबर, और इसमें देखते हैं फीड्स कंट्रोल। तो इसमें देखते हैं पहले कि पेशेंट अगर लेबर में नहीं है और फीड्स भी कंट्रोल है तो उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो पहले देखते हैं बेबी मेच्योर, अगर बेबी मेच्योर है तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम करेंगे, और अगर सर्विक्स फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन में डिलीवरी कंडीशन में है सर्विक्स, तो वजाइनल डिलीवरी में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हम उसको वजाइनल डिलीवरी हम उसकी करवा सकते हैं, ठीक है, और बाय सर्जिकल इंडक्शन तो लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम उसका करके हम उसका डिलीवरी हम करवाएंगे। और अगर सर्विक्स अनफेवरेबल है और सर्वाइकल तो सर्विक्स अनफेवरेबल है, सर्विक्स का डायलिटेशन नहीं हुआ है, तो जो सर्वाइकल ओपनिंग के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे उसको, तो सर्वाइकल डायलिटेशन करवाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन जेल के थ्रू, ठीक है। और अगर सर्विक्स अनफेवरेबल है, ठीक है,
ठीक है, और लेकिन ऑब्स्टेट्रिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नॉर्मल लेबर नहीं करवा सकते हैं, तो उसका सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर ये तो हो गया बेबी मैच्योर, कोशिश करेंगे फीटस के मैच्योर होने तक का हम वेट करेंगे, उसके बाद में हम उसको डिलीवरी करवाएंगे, और साथ में स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट चलता रहेगा, ट्रीटमेंट चलता रहेगा उसका एक्लेम्पसिया के लिए। ठीक है, और अगर बेबी डेड हो गया है तो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन का वेट करेंगे बेबी का। ठीक है, और उसके बाद में फीट्स आर कंट्रोल, ठीक है, फीट्स फीट्स नॉट कंट्रोल। अगर कंट्रोल में नहीं है पेशेंट का तो और एंटी कन्वल्जेंस भी उसको साथ में चल रहा है, तो उसके बाद में उसको जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको कैसे मैनेजमेंट करना है प्रेगनेंसी का वो देखते हैं कि उसका अगर फिट्स कंट्रोल में नहीं है तो लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देंगे पेशेंट को। ठीक है, और मतलब उसको टर्मिनेट करवाने की कोशिश करेंगे प्रेगनेंसी को, तो उसके लिए लोअर रप्चर मेम्ब्रेन करेंगे, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करेंगे ताकि सर्विस का डायलिटेशन हो सके। ठीक है, और अगर सर्विस अनफेवरेबल है तो सिजेरियन सेक्शन कर देंगे पेशेंट का। और उसके बाद सेकेंड पेशेंट इन लेबर, अनकॉन्सियस है तो, ठीक है, या फिर वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो इन सब कंडीशन में आप सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा एक्लेम्पसिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में क्या मतलब है कि ऐसा हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी के पहले से मौजूद हो, ठीक है, पहले से चल रहा हो हाइपरटेंशन पेशेंट को, और प्रेगनेंसी में भी हो, और प्रेगनेंसी के 12 वीक से पहले पहले हम उसको डायग्नोसिस कर लेते हैं कि इसको हाइपरटेंशन है, और प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी के बाद में भी उसको 12 वीक तक हम 12 वीक के बाद में भी उसको हाइपरटेंशन रहे पेशेंट को, तो ऐसा हाइपरटेंशन को क्रोनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इसके कॉजेस देखते हैं, कॉजेस ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो कॉजेस में इसके दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो
प्राइमरी में क्या होता है कि जो रजिस्ट्रेशन है पहले के हाइपरटेंशन उसको चल रहा हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है कि किसी डिजीज की वजह से उसको हाइपरटेंशन हो रहा है प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो जैसे मतलब और कोई कॉज हो हाइपरटेंशन का, जैसे कि एक्लेम्प्सिया या प्री एक्लेम्प्सिया की कंडीशन हो, ठीक है, या फिर कोई रीनल डिसऑर्डर हो गया हो, या फिर ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर जो एंडोक्राइनोपैथीज वो उनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, जैसे कसिंग सिंड्रोम हो सकता है, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, हाइपर एल्ड्रेस्ट्रोनिक, ये सब कंडीशन की वजह से हाइपरटेंशन हो, ठीक है, और क्रॉनिक हाइपरटेंशन कोआर्टेशन ऑफ एरोटा की वजह से, ठीक है, और मतलब इन सब की कंडीशन, इन सब की वजह से जो हाइपरटेंशन कोज हो रहा है प्रेगनेंसी में उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं कि कॉम्प्लिकेशन जैसे मेटरनल इसके कॉम्प्लिकेशन होंगे तो प्री एक्लेम्सिया के साथ में ये हो सकता है, मतलब क्रॉनिक हाइपरटेंशन चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है प्री एक्लेम्सिया हो जाए, ठीक है, और प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकता है, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट को, या फिर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और रिनल डैमेज या रिनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, मैटरनल ये हो गया मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। अब फीटल कॉम्प्लिकेशन, तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, इंट्रायूटेराइन डेथ और इंक्रीज नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन, कुछ नियोनेट में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर प्री मेच्योरिटी हो सकती है, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करेंगे, प्री कंसेप्शनल केयर देंगे वुमेन को कि वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने हाइपरटेंशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, पहले बीपी को कंट्रोल करें, उसके बाद में प्रेगनेंसी के बारे में सोचें, ठीक है। तो और कोई क्या मैंने और कोई कोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेवलप होने के अगर उसमें कोई कॉजेस दिख रहे हैं तो उनको प्रिवेंट किया करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि उसके लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसकी डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, और अगर स्मोकिंग है तो स्टॉप स्मोकिंग, अल्कोहल स्टॉप, तो इन सब की वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बोलते हैं उसको, ठीक है, और उसकी ऑर्गन्स की भी टेस्टिंग हम कर सकते हैं, जैसे कि रिनल फेलियर हो सकता है, तो इस कंडीशन में हमको कोई कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करके हम उसका ट्रीटमेंट पहले उसको करना चाहिए, ठीक है, और उसकी डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए, और केयरफुली क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हम उसके लिए करवाते हैं, जैसे कि ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ठीक है, और रिनल स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, और ऑटो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कर सकते हैं उसकी, ठीक है, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, सोनोग्राफी, ठीक है, और डेली फीटल की चेक और रेगुलर नॉन स्ट्रेस टेस्ट, तो ये सब प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद में ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट और क्या ट्रीटमेंट देंगे उसको कि उसके में ये डेवलप हो गई हाइपरटेंशन की कंडीशन, तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो 12 वीक से पहले हम रिव्यू करेंगे हाइपरटेंशन की कंडीशन को, ठीक है, और बीपी रेगुलर उसका बीपी चेक करते रहेंगे, ठीक है, और एंटीनेटल चेकअप्स उसका रेगुलर होगा जिसमें उसकी वाइटल्स चेक होंगे रेगुलरली, बीपी उसका चेक होगा, ठीक है, रिनल फंक्शन टेस्ट होगा, ठीक है, और अगर कोई प्री एक्लेम्प्सिया की कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको हमको देखना है, उनको देख के उसका मैनेजमेंट करना है प्री एक्लेम्प्सिया का, ठीक है, और अगर फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हमको दिख रही है, ठीक है, या फिर तो इन सबको हम असेस करते हैं, ठीक है, और अगर सीवियर हाइपरटेंशन है 170-110 mmHg है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में उसको हाइपरटेंसिव ड्रग्स उसमें स्टार्ट की जाती है, ठीक है, और जैसे कि मिथाइल डोपा, लेमिटोलोल और
निफिडिपिन ये सब हम पेशेंट को देते हैं हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और डिलीवरी तक हम उसका हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये ड्रग्स उसमें कंटिन्यू चलेंगे डिलीवरी तक, ठीक है। और नॉर्मल अगर फेवरेबल कंडीशन है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हम उसकी करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर और इसके बाद फिर भी सीवियर कंडीशन है तो उसका मैनेजमेंट हम प्री एक्लेम्पसिया का जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसका मैनेजमेंट आगे करेंगे, ठीक है। तो हमने आज दो टॉपिक पढ़े, एक्लेम्पसिया और क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है।